चुनावी तपिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, चंद महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव को, ऐसे में ये जो बस है ये इटावा की ओर चल रही है, लेकिन हमारा सवाल है कि जनता किसे लखनऊ भेज रही है। सबसे पहले मैं चाहूँगा जो परिचालक महोदय हैं वो हमारी टीम चूँकि इटावा की तरफ चल रही है, दो हमारी टिकट इटावा के लिए काट दें। हाँ, तो आप जी दो टिकट हमने ले ली हैं इटावा के लिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और लोगों से बातें समझेंगे कि आखिर लखनऊ किसे भेजा जा रहा है। किसे भेज रहे हैं? योगी आदित्यनाथ या योगी आदित्यनाथ? क्या वजह है, क्यों पर इतना भरोसा है? राम मंदिर का निर्माण करवाया और भी निर्माण करवाया बहुत सारे। तो क्या लगता है कौन सी सरकार की वापसी हो रही है, योगी या योगी आदित्यनाथ जी की? योगी आदित्यनाथ। और क्या क्या मिला है आपको योगी सरकार से? योगी सरकार ने जैसे कि देश में अभी तो बहुत सारा उद्देश्य हुआ है, मतलब कि एक तो स्वच्छता अभियान भी बहुत चल रहा है अच्छा खासा भी, और देश में दंगे पहले जो कि होते थे बहुत सारे अब कम पड़ गए। आप बताइए कहाँ से आप आ रहे हैं? आगरा से। कहाँ जा रहे हैं आप? लखनऊ। किसे? लखनऊ है ना, मायावती सरकार जाएगी। मायावती? हाँ, लगातार तो वो तो कमज़ोर हो रहा है, विधायक टूट के समाजवादी पार्टी में चलेगा। हाँ, लेकिन लग रहा है कि आएंगी बहन? आएंगी। आप बताइए किस तरह का माहौल चल रहा है? माहौल तो अच्छा ही चल रहा है। अखिलेश को आना चाहिए। अखिलेश यादव भैया आ रहे हैं, क्या लग रहा है कैसे आ रहे हैं? अच्छे से आएंगे इस बार, सीटें ज़्यादा निकलेंगी। सीटें ज़्यादा निकलेंगी इस बार अखिलेश भाई की। माहौल? माहौल अच्छा है। कहाँ जा रहे हैं आप? कानपुर। लग रहा है कि अखिलेश कानपुर में 10 में से 8 सीटें बीजेपी को थी, 2 सीटें इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी, 2 सीटें केवल समाजवादी पार्टी को थी, लेकिन इस बार क्या लग रहा है? ज़्यादा आएंगे। क्या नाम है भाई आपका? अजीत कुमार। क्या लग रहा है किस तरह का माहौल है, कहाँ जा रहे हैं आप? कानपुर जा रहे हैं, कानपुर के ही निवास जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ? लखनऊ भैया किसको भेजेंगे, इतना युवक अपनी मार्कशीट वगैरह लेके ट्रक चला रहा है, ठेला चला रहा है, साला क्या है ये? नौकरी निकाल ले रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, ऐसे क्या है? नौकरी दें युवकों को, रोजगार दें, उससे कुछ लाभ मिलता है। एक युवा भी हमारे साथ है, आप बताइए किस तरह का माहौल देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं फिरोजाबाद जा रहा हूँ। किस तरह का माहौल है? आप तो फिरोजाबाद जा रहे हैं लेकिन लखनऊ किसे? लखनऊ इस बार सपा को अखिलेश जी को भेजूंगा, और पहले से कुछ चीज़ें बिगड़ी भी हैं, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है तो कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। पहले से जैसे फर्जीवाड़े बहुत होते थे कि लोग हाई स्कूल इंटर ऐसे कर लेते थे, कहीं से भी फॉर्म भर दिए कर लिए, अब इस तरीके की चीज़ें नहीं है। बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं तो बिगड़ी हैं। सबसे ज़्यादा परेशान आदमी केवल महंगाई से है, सबसे ज़्यादा परेशान महंगाई से है। सब बेकार, अखिलेश को आना चाहिए यूपी में। कैसे भैया तुम मदद करेंगे? मदद हमारे यूपी से बहुत बढ़िया मदद मिलेगी। अखिलेश यादव को आना चाहिए। और भी लोग आपसे जानना चाहेंगे, मैडम आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है घर चलाना पड़ता है, ये महंगाई मुद्दा है कि नहीं? मुद्दा है भैया, आप मर्दा नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? महंगाई बड़ी हुई है, दिवाली निकल के गई है, दीपावली में तो उसमें महंगाई हो रही है मेरा। साथ में जा रहे हैं, हर चीज महंगी हो रही है, ये मुद्दा बनेगा इलेक्शन? महंगाई सारे काम में चल रहा है, महंगाई क्यों नहीं है महंगाई भैया? हमारा यही कहना है कि भले ही हम इटावा जा रहे हैं लेकिन लखनऊ किसे भेजा जाएगा, योगी आदित्यनाथ को, अखिलेश यादव को, या प्रियंका गांधी कोई चमत्कार कर पाएंगी, या मायावती वापसी कर पाएंगी? लगातार ये सवाल बना हुआ है और हम पूछेंगे और लोग इसका